नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के हवाले से जरा कुछ बात करते हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, आईटी के शोबे के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है। हम अपने रीजन के मुल्क ममालिक के अंदर से देख ले तो हमारे हमसाया बड़ा इस हवाले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एशिया के 8 ममालिक से भी पीछे है। उन 8 ममालिक से जो कि कहने को पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से या एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, उनसे भी हम पीछे जा रहे हैं। फिलीपींस से पीछे जा रहे हैं, बहुत सारे और ममालिक से पीछे जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं कर रही हुकूमत, और कहा यह जा रहा है डॉक्टर साहब के आने वाले वक्तों के अंदर विद इन 3 ईयर्स बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने वाली। देखिए अनिका, मुस्तकबिल करीब, इमीडिएट फ्यूचर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। आपने कहा 2, 3, 4 साल आगे, इसमें जो बुनियादी साख्त है मईशत की वो बदलने वाली है और इतनी तेज़ी से बदलने वाली है, और पाकिस्तान शायद इसकी तैयारी नहीं कर रहा। दुनिया भर में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी हुई है। एक बड़ी पुरानी कंपनी है जिसको डेमलर बेंस कहा जाता था, वो मर्सिडीज़ कारें बनाती है। हम उसकी बड़ी तारीफ भी सुनते हैं कि कारों में नाम हो तो मर्सिडीज़ बेंस का नाम है। वो ट्रक भी बनाती है, वो वैन्स भी बनाती है। अभी उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग का अगर मैं हाल आपको बताऊँ तो वो आपको एक इंडिकेशन देता है कि किस तरह मईशत बदलने वाली है, किस तरह टेक्नोलॉजी मईशत को बदलने वाली है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है, वो ये डिस्कस कर रहे हैं और वो कहते ये हैं कि 3 तो कॉन्स्टेंट्स हैं, 3 जो हैं हमारी ज़िंदगी के वो कॉन्स्टेंट्स हैं। उनमें से एक तो मौत कॉन्स्टेंट है, वो आनी आनी है, और टैक्सेस आपको पे करने ही करने हैं, वो कॉन्स्टेंट है, और तब्दीली चेंज जो है वो भी कॉन्स्टेंट है, वो भी आएगी। डेमलर बेंज वालों का कहना ये है कि हमारे जो हरीफ हैं, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, वो दूसरी कारों की कंपनियां नहीं हैं। मतलब मैं यूजली सोचूंगा कि अगर मर्सिडीज है तो वो सोचेगी कि टोयोटा क्या काम कर रही है या माजदा क्या काम कर रही है, और वो हमारे हरीफ हैं। तो फिर डॉक्टर साहब कौन है हरीफ? ये कहते हैं कि हमारे हरीफ जो हैं फ्यूचर के, वो गूगल है, वो अमेजोन है, या वो एप्पल है। ये कह रहे हैं कि हमारे हरीफ जो हैं वो टेक्नोलॉजी कंपनीज होंगी जो टेक्नोलॉजी सामने लाएंगी। उनका कहना ये है कि अगले 5 से 10 साल में सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी बड़ी तब्दीलियां आ जाएंगी कि जो रवायती सनतें हैं, जो कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज हैं, वो तकरीबन खत्म हो जाएंगी, और उनमें बहुत ज्यादा तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर तब्दीली नहीं लाएंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। उनका कहना यह है कि आप देखिए, उबर का अगर आप ऐप डाउनलोड कर लें, और अब उबर ऐसी कंपनी है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एक एप्लीकेशन है, एक ऐप उबर ने बनाई, और दुनिया भर में वो लार्जेस्ट टैक्सी कंपनी बन गई, हालांकि उसकी अपनी एक भी टैक्सी नहीं है। इसी तरह आपने एयरबीएनबी का नाम सुना होगा, जो दुनिया का लार्जेस्ट होटल कंपनी बन गई है, उसका अपना एक भी होटल नहीं है, अपना एक भी कमरा नहीं है। आप कंप्यूटर पर जाएं, एयरबीएनबी से अपना कमरा बुक करवा लें। नई इजादों में से IBM एक वॉटसन कंप्यूटर के नाम से उसने कंप्यूटर बनाया, और उसमें पिछले 50 से 100 साल का जो कानूनी डेटा है, जो केसेस चलते हैं अदालतों में, वो स्टोर कर दिया है। अब आप अगर मशवरा लेना चाहें, कोई कानूनी राय लेना चाहें, कोई कानूनी मशवरा लेना चाहें, तो वो ये कहते हैं कि ये कंप्यूटर आपको 90% एक्यूरेसी से आपको मशवरा देगा, आपका जो प्रॉब्लम होगा वो ये हल करेगा, प्रिस्क्राइब। अब वकला की जरूरत नहीं रहेगी, वकला 50 से 70% एक्यूरेसी पे काम करेंगे, ये 90% पे एक्यूरेसी पे काम कर रहा है। इसी तरह अगर आपको कोई मेडिकल इशू आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो अगर आप IBM वॉटसन से पूछें कि मुझे ये अलामात हैं, बीमारी क्या है, इसकी तशखीस क्या करनी, तो ये वॉटसन का कंप्यूटर जो है ये ज्यादा आम डॉक्टर से ज्यादा एक्यूरेसी से ये काम करे। अब आपके यहाँ, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, डॉक्टर्स बना रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा? उनको नौकरियां इस प्रोफेशन में तो शायद नहीं मिल पाएंगी, उनको किसी और प्रोफेशन के लिए तैयारी करनी होगी। तो इसी तरह वकला का ये हाल होगा। इस तरह तो चलिए बाकी दुनिया शायद इस चीज की तैयारी कर रही है, इसीलिए वो इस तरह के कंप्यूटर्स बना रही है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ तो अभी भी वकला की तादाद, बड़ी तादाद जो है कॉलेजेस से बाहर आ रही है, मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर्स की आ रही है। इसी तरीके से आईटी के शोबे में हमारी उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट की। हम साइबर क्राइम बिल तो बना लेते हैं आईटी मिनिस्ट्री, लेकिन बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, तो हम क्या तैयार है इस चेंज के लिए? हम तैयार नहीं है, यही मामला है, हमें तैयारी करनी होगी। अब वहीं पर ये बात हो रही थी, बैक टू मर्सिडीज बेंज के बोर्ड में वो कह रहे हैं कि 2018 कितना दूर है?
हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं 2018 में, ये कह रहे हैं कि सेल्फ ड्रिवन कार्स, जो खुद कार खुद ही अपने आप को चलाएंगी, जिसमें ड्राइवर नहीं बैठा होगा, वो बड़ी कॉमन होने लगेंगी। सही, अभी भी चल रही है टेस्ला, अभी भी चलना शुरू, एक्सपेरिमेंटल के बेसिस के ऊपर वो चलना शुरू हो गई है। फिर जब आप बटन दबाएंगे उबर का और उबर टैक्सी आपके पास पहुंच जाएगी, उसमें ड्राइवर भी नहीं बैठा होगा, तो एक्सीडेंट्स का वो कहते हैं कि वो 90% एक्सीडेंट फ्री है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनीज का क्या बनेगा? सही, ठीक है, आपने बटन दबाया करीम आ गई, तो फिर आपको फ्यूचर में कार की मलकियत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास टैक्सी फौरन पहुंच जाएगी। जब कार की मलकियत की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ड्राइवर्स लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर डॉक्टर साहब, यहाँ तो हमारा बहुत बड़ी तादाद में ह्यूमन रिसोर्स ऐसा होगा जो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा, उसका क्या करेंगे? अगर उसकी ट्रेनिंग ना की गई, और ये देर की बात नहीं है कि अगले 10-20 साल में ये होने वाला है, ये मुस्तकबिल करीब में होने वाला है ये काम, उनकी ट्रेनिंग टेक सोसाइटी टेक के एरिया में करना जरूरी होगी, जहां पे जॉब्स अवेलेबल होंगे, जहां से जॉब्स खत्म। अच्छा, अगर आपकी गाड़ी की मलकियत खत्म हो जाए, तो फिर आपको पार्किंग लॉट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रवायती इंडस्ट्री, रवायती चीजें, वो सब चीजें खत्म होती चली जा रही। अच्छा, बिजली, अभी हम पहले सेगमेंट में बिजली की बात कर रहे थे, जो सोलर पैनल, उनकी कीमत इतनी तेजी से गिरती चली जा रही है, और वो इतने एफिशिएंट होते जा रहे हैं कि उनसे बिजली बनाना जो है वो बड़ा सस्ता हो जाएगा फ्यूचर में, नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर बट इमीडिएट फ्यूचर। अच्छा, एग्रीकल्चर रोबोट्स नहीं का, आई वॉज रियली सरप्राइज, एग्रीकल्चर रोबोट्स के ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है। अब 70% पाकिस्तान की आबादी खेतों में, फील्ड्स में घूमती रहती है, खेती बाड़ी करती है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ₹10,000 का, $100 का आपको एक एग्रीकल्चर रोबोट मिल जाएगा, आप उसको फील्ड में भेज देंगे, खेतों में भेज देंगे। तो ये इतनी बड़ी आबादी जो भी ये काम कर रही है, इसका क्या बनेगा? अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए तैयारी के लिए पाकिस्तान को बड़ा अरसा चाहिए होगा, यानी एक शख्स को तालीम दिलाना, जाहिर है फार्मर्स हैं, उनकी तालीम नहीं है, क्या उन्हें किसी और शोबे के अंदर स्किल्स देना होंगे? क्योंकि आईटी के शोबे के अंदर आने के लिए किसी ना किसी तरीके से उन्हें कुछ ना कुछ एजुकेशन तो हासिल करनी पड़ेगी। एजुकेशन का हमारे ऑलरेडी हाल ये, एहसन इकबाल साहब ने विजन 2025 दिया था, क्या उसके अंदर आपको कोई ऐसी क्लॉज नजर आती है जो आईटी के हवाले से इस तरह से हो के पाकिस्तान को आगे लेकर जा सके? बड़ा उम्दा सवाल है। तालीम को भी टेक्नोलॉजी ने बदल देना है। वो कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में जो स्मार्टफोन है उनकी कीमत इतनी ज्यादा गिर जाएगी। अफ्रीका के कुछ ममालिक ने ऑलरेडी $10 का, यानी कि ₹1,000 का स्मार्टफोन जारी करना शुरू कर दिया है। अब स्मार्टफोन के तहत उसको इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ कोर्सेज भी ले सकेंगे यूनिवर्सिटी के, स्कूल्स के। तो तालीम का जो फ्यूचर का ढांचा है वो भी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। फिर आपको स्कूल में, कॉलेजेस में शायद नहीं जाना पड़ेगा, कुछ कोर्सेज के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जो कि आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू डाउनलोड करके और वहां पे अपनी तालीम हासिल कर लेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज ने अपना ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट कर दिया और मुफ्त तालीम भी दे रहे हैं। बिल्कुल, हार्वर्ड भी दे रही है, स्टैनफोर्ड दे रही है। अच्छा, सेहत के हवाले से जब सबके पास ये स्मार्टफोन आ जाएगा, तो कहते हैं स्मार्टफोन से आप अपने आई रेटना स्कैन, अपनी आंख का स्कैन करके अपना ब्लड प्रेशर लेके वो एक कंप्यूटर को भेज देंगे, और वो ऑलरेडी कंप्यूटर इस काबिल हो चुका है कि तकरीबन 54 बीमारियों का इलाज वो आपके ये रेटिनस स्कैन से, आपके ब्लड प्रेशर से वो निकाल पाएगा। सही, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, फिर अल्टीमेटली ये हो गया कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको हमें पूरा रद्दी की टोकरी में डाल के नए सिरे से पॉलिसी मेकिंग की जरूरत पड़ गई। फिर तो बात ये हो गई, हम क्या कर रहे हैं? कोयले के प्लांट लगा रहे हैं। आपने देखा अभी साईवाल में, इस वक्त जहां हम बैठे हैं यहां से 200 मील दूर एक इतना बड़ा साईवाल में कोयले का पावर प्लांट लगाया है। $1.5 अरब का लोन लिया गया है चाइना से, और हम कोयले से बिजली बनाएंगे, जबकि दुनिया भर जो है वो सूरज से बिजली बना रही है, क्लीन बिजली है, आधी कीमत पे बिजली है। हम LNG की पाइपलाइंस बना रहे हैं। अच्छा, सूरज के खत्म होने का डर भी नहीं है ना? सूरज, हवा तो आनी है। तो सूरज उस वक्त तक खत्म नहीं होता, हमारी जिंदगी तक। तो सूरज से बिजली बना, हम लोग LNG की पाइपलाइंस बना रहे हैं, हम लोग तेल की पाइपलाइंस बना, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स के कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, ये सब चीजें तब्दील होने वाली हैं, और इनमें वक्त ज्यादा नहीं बचा। ठीक है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। अगर इतनी तेजी से दुनिया तब्दील हो रही है, आईटी के शोबे के अंदर हमारी एक जगह पर इन्वेस्टमेंट देखे, हैरानी ये होती है कि मैं, आप, हमारी हुकूमत, क्या हम सारे तैयार हैं इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए? हमारे यहाँ तो ये हाल है कि बहुत सारे इदारे अभी आईटी की तरफ आए ही नहीं है। इवन मर्दमशुमारी में देख लीजिए तो डाटा एंट्री हाथ से हो रही थी, वहीं उनको टैबलेट पकड़ाते, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते, वहीं डाटा एंट्री होती। ये डाटा एंट्री का जो एक्स्ट्रा टाइम मांगा गया, ये भी ना जरूरत पड़ती। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का ये हाल है, और दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, यानी तमाम रवायती चीजें खत्म हो जाएंगी,
रद्द हो जाएंगी और नई चीजें आना शुरू हो जाएंगी, तो हमें तैयारी की जरूरत है, वक्त कम है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।